आज देश भर से रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रेपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? देश हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इंडियाज प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। कि मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई है हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन्स, और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दिया आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। और हमें हर हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है। किस चीज में व्यस्त हैं? आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए, और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं? द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एन अग्रेसर व्हेन देयर इज सच अ मैसिव अग्रेसर इन फ्रंट ऑफ अस ऑलरेडी। द होल कंट्री इज बैटलिंग द पेंडेमिक, शुड दे बैटल द गवर्नमेंट ऑल्सो? द गवर्नमेंट नीड्स टू बी सेंसिटिव एट दिस टाइम। द प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू शो अप। He needs to get off the stage of the rally where he is laughing and cracking jokes. He needs to get off and he needs to come here and sit in front of people and talk to them and tell them what he is doing. How is he going to save lives? There is a huge crisis in our country. And I'm sorry, but if you cannot see it and you're going to be blind and you're going to try to hide facts and you're going to do everything in your power to pretend it's not happening, there's something's very, very wrong.